Hey everyone, कैसे हैं सब? मैं दिया, welcome back to my YouTube channel. So guys, मैं आ चुकी हूँ एक नया वीडियो लेके और आज का वीडियो बाकी वीडियो से बहुत ज्यादा अलग होने वाली है. So guys, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा और बहुत कुछ नया मिलेगा. So guys, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना. तो वीडियो को थंबनेल देख के तो आप लोगों को शायद पता चल ही गया होगा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता देती हूँ. सो आज हमें जाना है पुंचा स्कूल प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है यूथ पार्लियामेंट. अभी ये प्रोग्राम जो है बहुत सारे स्कूल में हो रही है, कॉलेज में हो रही है, तो इसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया है. आई होप ये बहुत ही अच्छा रहेगा एंड ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया है. तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्या होने वाली है क्या नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता. और इस प्रोग्राम में गर्ल्स बॉयज बोथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो गर्ल्स के लिए अलग ड्रेसअप होगा और बॉयज के लिए ऑब्वियसली अलग ड्रेसअप होगा. तो हम गर्ल्स पहनेंगे आज साड़ी और बॉयज पहनेंगे बॉयज का पता नहीं, वो कुछ भी पहन ले उनको चलेगा. और गाइज, आप लोगों को मैं बता दूँ, कुछ दिनों से मेरी तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मुझे बुखार थी, साथ में गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द थी और मेरी आवाज़ सुन के शायद आप लोगों को पता चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा. तो अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ और तबीयत ख़राब होने के वजह से मैं ठीक से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई, ठीक से एक्टिव भी नहीं रह पाई थी यूट्यूब पर भी और इंस्टा पर भी. तो इसीलिए My dear family, I am sorry. And अभी मैं ठीक हूँ तो अब से बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाली है. So guys, keep supporting. तो चलो और ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एंड आप लोग वीडियो देखोगे ही नहीं, स्किप कर दोगे. तो चलो हम लोग अभी जाएंगे रेडी होने के लिए एंड मिलते हैं आपसे रेडी होके. ये तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, तो मैं अभी जाऊँगी स्कूल में और मिलते हैं सीधे स्कूल में जाके. माननीय अध्यक्ष महाशय सभा कक्ष प्रवेश करते हैं.
হয় রাত্রি বারো ঘটিকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ গৃহে পরলোক গমন করেছেন। ১৯৩৮ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মজিলপুরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। শৈশবকাল থেকেই সঙ্গীতের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল তার। সঙ্গীত জগতে অসংখ্য কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। তার বিখ্যাত গানগুলি হল এমন একটি জিনিস খুঁজে পেলাম না ও তোমার আকাশ দুটি চোখে। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি শ্রীমতী নির্মলা মিশ্রের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি। তিনি ছিলেন অসাধারণ গায়িকা। তিনি বাংলা সিনেমা জগতে অসংখ্য ভালো ভালো গান উপহার দিয়েছেন। আমি ওনার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। শ্রীমতী নির্মলা মিশ্র ছিলেন সঙ্গীত জগতে এক বিশিষ্ট গায়িকা। আমি ওনার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। সুরেলা কণ্ঠের জন্য তিনি অগণিত শ্রোতার হৃদয়ে চির অমর হয়ে থাকেন। শান্তি কামনার জন্য সভাকক্ষ এক মিনিট নীরবতা পালন করবে। নীরবতা পালন শুরু। सभी का हालत देखने लायक है। देखो फोन पे लगे हुई है यार। और हम इतना थक चुके हैं कि अभी बात करने का भी एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। हम लोगों ने पूरे दिन में इतने मज़े किए कि थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। गाइस तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।